एवरीवन आप लोग कैसे हो कि आप लोग अच्छे हो। तो फिर बिहार के जमीन मालिकों को अब नहीं लगाना होगा सरकारी ऑफिस का चक्कर। तमाम चीज को मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस ताकि भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त। तो बिहार सरकार ने जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी। पहले भू स्वामियों को रसीद लेने के लिए राजस्व अधिकारी और आंचलिक कार्यालयों को चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब जो है जमीन मालिकों को इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि बिहार सरकार ने ऑफलाइन रसीद जारी करने की झंझट खत्म कर दिया है। वो अब केवल ऑनलाइन रसीद ही स्वीकार करती है। आदेश से जमीन मालिक खुश है, हालांकि जानकारी अभाव के कारण ऑनलाइन रसीद जारी करने में समस्या आ रही है। मैं बता दूं कि राजस्व कर्मचारी राजीव कुमार पटेल ने कहा है कि जमीन मालिकों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना ही उन्हें ऑफिस जाना पड़ेगा। अब वो भू राजस्व का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं और रसीद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करनी होगी, इन्हें अपनी जमीन की रसीद आसानी से मिल जाएगी। ऑनलाइन रसीद काटने के लिए आपको जिला, अंचल, हल्का, मौजा, वर्तमान भाग संख्या और वर्तमान पृष्ठ संख्या का उल्लेख करना होगा, तब भी रसीद काटी जा सकेगी। इसके लिए किसी भी सीएससी सेंटर में काटा जा सकता है। मैं बता दूं कि ऑनलाइन टैक्स रसीद काटने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आवश्यक है, हालांकि जमीन मालिक को इसकी पूरी जानकारी नहीं हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरानी रसीदों में केवल किराएदारों का नाम, जमा संख्या, भूमि का क्षेत्रफल, खाता संख्या, भू राशो की दर और तारीख का उल्लेख होता है, लेकिन यह जानकारी अकेले ऑनलाइन रसीद तैयार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं बता दूं कि ऑनलाइन रसीद बनाने के लिए जो है जिला, अंचल, निर्वाचन क्षेत्र जैसे मौजा, वर्तमान भाग संख्या और वर्तमान पृष्ठ संख्या की आवश्यकता होती है। जानकारी ऑनलाइन जमा राशि की जांच करने पर मिलती है। इस पर आपको हल्का, मौजा, वर्तमान भाग संख्या, पृष्ठ संख्या का जमाबंदी, डिजिटल जमाबंदी, क्षेत्र, खाता, खेसरा रहित का नाम, भूमि राजस्व भुगतान और बहुत कुछ मिलेगा। मैं बता दूं कि बिहार में जब से जमीन को जमाबंदी को लेकर जो है आपको एक नया नियमावली लाया गया है, तब से सरकार ने प्रत्येक दिन जो है कुछ ना कुछ नया अपडेट ला रहा है, ताकि भविष्य में जो है जमीन को जो है झगड़ा, जमीन की जो झंझट है वो खत्म हो जाए। क्योंकि जमीन ही एक ऐसा चीज है जिसके कारण समाज में जो है काफी जो केसेस होते हैं वो जमीन का ही कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु होता है, कि जमीन के कारण ही झगड़ा होते हैं, मारपीट, मर्डर होते हैं। तो इस जिसके लेकर भविष्य में ये पूरी तरह से खत्म होने वाला है। तो जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।